अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मसाले वाली बिरयानी। 1 किलो चिकन लिया है, उसे एकदम अच्छे से धो लेना है। मैंने 6 गिलास चावल लिए हैं, मैंने पहले ही पकाने रख दिए हैं। इसमें थोड़ा सा तेल डाला था, थोड़ा सा ज़ीरा, 2-3 काली मिर्ची और थोड़ा सा 2-3 लौंग डाली थी। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, कांदा, हरी मिर्ची, धनिया लिया है, हरा धनिया, इसे सब मिक्स कर लेना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है पहले इसमें चिकन में। इसमें एक दही डालनी है, लाल मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर, और इसके अंदर 2-3 नींबू डालने हैं, बीए निकाल देने इसके। एक चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर डालना है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है इसे धीरे धीरे, सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। स्वाद अनुसार नमक फिर मिक्स कर लेना है इसे अच्छे से। आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अब तेल निकालने, लकड़ी, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, लौंग और थोड़ा ज़ीरा ले लिया। अब इसे मसाले को तेल में डाल देंगे। अब इसमें चिकन डालना है, ये मैरिनेट हो जाए आधे घंटे बाद, जब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। चार टमाटर लिए हैं, इसे काट के इसी में डालना है चिकन में, और थोड़ा ऊपर से धनिया डालना है काट के, खूब सारा धनिया। अच्छे से चिकन को भून लेना है। ये देखिए इसमें टमाटर भी डाल लिए हैं। अब ये तैयार हो चुका है, अब कांदा फ्राई कर लेना है। ये कांदा फ्राई करके ऊपर की लेयर के लिए, ये देखिए नीचे की लेयर बना दी है, इसके अंदर कलर डाला है, खाने वाला कलर, अलग अलग जितने आप चाहें उतने डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल देना है, धनिया पुदीना डालना है इसके अंदर, और कांदा और बिरयानी मसाला पाउडर भी थोड़ा ऊपर से डाल देना है। अब इसमें सालन डालना है, पूरे साइडों पर लगा देना, एक लेयर अच्छे से बना देनी है। ये दम बिरयानी नहीं है, तय बिरयानी है, इसके लिए एक लेयर लगाते हैं। एक लेयर लग चुकी है चिकन की, देखिए थोड़ा इसके अंदर धनिया डालना है ऊपर से, फिर थोड़ा सा बिरयानी मसाला पाउडर डालना है, फिर ऊपर से चावल डालने हैं। पूरे साइडों पर फैला देना अच्छे से। हम लोग चावल बनाते हैं टाइम थोड़ा सा नींबू डाल दिया था इसके लिए, देखिए कितने खिले खिले बने। फिर ऊपर से बिरयानी मसाला पाउडर डाल के अलग अलग कलर वाले, खाने वाले कलर डाल दिए थे, ये देखिए अब जितने चाहे उतने डाल सकते हैं। देखना कितनी कलरफुल बिरयानी बनेगी। और ये केवड़ा वाटर डालना है थोड़ा सा ऊपर से,
ऊपर से कांदा डालना है जो फ्राई करके रख लिया था, अब इसे दम पे रख लेना है थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हमारी दम पे रखी थी बन चुकी है बिरयानी एकदम, अब इसे सर्व करेंगे। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है देखने में भी, और एक बार ज़रूर आप बना के ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए कितनी खिली खिली और कलरफुल बनी है।